आप जब घर लो ना, सो कीप इन माइंड कि आपको कैसा घर चाहिए, कितनी स्टोरेज है, उससे कम रेट में डब्बे आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू कुडू? हाय, आई एम डूइंग गुड। यहाँ मम्मा मेरा ब्रेकफास्ट बना रही है। कल ना रात को बहुत स्नो पड़ी थी, रोड तो थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई है बट स्नो काफी है। और ये हमारी बालकनी का हाल, जो 2/3 बालकनी स्नो से कवर्ड है इस टाइम, तो अच्छी खासी स्नो पड़ी है, ठंड ठंड हो रही है। और वो गाड़ी जा रही है, पूरी स्नो से कवर्ड है, वो वाइट कलर नहीं है उस गाड़ी का, कवर्ड ही स्नो से है वो। गुडू, क्या बात कर रहे अपनी भाषा में? गाइज, अब मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ, शाम हो गई है इनफैक्ट, अब घर की सफाई वफाई हो गई है। बट द प्रॉब्लम इज हमारे घर में इतने सारे बॉक्सेस इकट्ठे हो गए हैं, तो काफ़ी सामान आया था उसके, ऐसे डब्बे जनरली इकट्ठे हो ही जाते हैं बट इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। कुछ कॉस्टो का सामान आया, कुछ हमने गैजेट्स मंगाए थे उसके बड़े बड़े डब्बे रखे हैं, कबीर की हाई चेयर थी उसका बड़ा डब्बा रखा है, तो ये सब एडजस्ट करना है। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये छोटे से घर में 500 स्क्वायर फीट या 600 स्क्वायर फीट का होता है जनरली यहाँ पे कॉन्डो, अगर आप वन बेडरूम प्लस डेन लेते हो, और इन्हें एडजस्ट करना मुश्किल होता है, या तो आप सारे डब्बे फेंक दो। अब बात ये है कि कल को आपको, यू हैव टू मूव, यहाँ पे आप फॉरएवर तो नहीं रह रहे, देन जब आपको मूव करना होगा देन यू विल नीड दीज बॉक्सेस, फिर आप खरीद के लाओ बाजार से, तो बाजार से बहुत महंगे पड़ते हैं ये। कितने का था? देखा था $3 का एक, $1.50 का एक, $10 के थे। नहीं, 10 के तो नहीं थे, कम ऑन, स्टेपल्स पे देखा था ना, $3 का था। स्टेपल्स पे तो महंगे ही आते हैं हमेशा। हाँ, साइज पे भी था। वैसे इसकी एक ट्रिक है कि एक दो हमारे फ्रेंड्स से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बोला था जैसे लोकल ग्रोसरी स्टोर होते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको, कन्वीनियंस स्टोर टाइप, तो इनसे जाके आप बात कर लो, तो ये ऐसे कार्डबोर्ड आपको फ्री में दे देते हैं। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, हम क्या करते हैं, हम इनको फेंकते नहीं है, जो बड़े बॉक्सेस आते हैं ना उनको हम ब्रेक करके जितने आ सकते हैं उतने थोड़े स्टोर कर लेते हैं। लाइक कॉस्को का सामान आया था इसमें, जो कबीर का, इसमें डाइपर्स आए थे और कुछ दूध वूध आया था, तो ये बड़ा डब्बा है, इसको हम नहीं फेंकेंगे, इसको हम ब्रेक करके, वो फ्लैट हो जाता है ना, तो दो चार डब्बे हमने सेव कर रखे हैं। बाकी जैसे ये हाई चेयर है, और भी कबीर की, और क्या हमने उसकी मैट्रेस का डब्बा, नहीं मैट्रेस का फेंक दिया था, कहाँ चाहिए कबीर की, जो पहले मैट्रेस का डब्बा, नहीं हमने उसकी कार सीट का सेव करके रखा है, और स्ट्रॉलर का, हाँ स्ट्रॉलर का हमने सेव करके रखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें यहाँ से मूव करना ही होगा फ्यूचर में, कुछ 6-7 महीने बाद, आई डोंट नो यहाँ कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, देखते हैं क्या डील मिलती है क्या है। तो सामान ले जाना इज इजी एंड डब्बे खरीदने में कम पैसे खर्च होंगे, तो दैट्स द स्ट्रेटजी वी यूज। और उसके कुछ गेम्स के डब्बे मैंने रख रखे हैं, हाँ जैसे स्टरलाइजर है उसका, बॉटल्स गर्म करने का पानी का, वो सब मैंने सेव करके रखे। ये तो आज का टास्क है, तो ये इसको फिट कैसे करना है। अब यहाँ पे ना हमारे पास सिर्फ दो ही क्लॉजेट्स है, मैं दिखाती हूँ एक, कि एक क्लोजेट ये है हमारे पास, ये बहुत अभी गंदी हुई पड़ी है, इसमें बहुत सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है, तो दिस इज दिस मच, जितनी आपको वीडियो में दिख रही है ना बस इतनी ही है। ये ड्रायर है, वॉशर एंड ड्रायर, एंड उस साइड में कुछ जगह नहीं है, तो ये इसमें बस इतनी स्पेस है मेरे पास, जिसमें इतने बड़े बड़े डब्बे यहाँ पे रखे हैं, कार सीट और स्ट्रॉलर के डब्बे यहाँ पे सेव्ड है, ये हगीज का, इसमें वेट वाइप्स है, इतने बड़े बड़े डब्बे आते हैं क्योंकि बल्क में सामान आता है, तो ये जो वेट वाइप्स का इतना बड़ा डब्बा है, फुली है, तो ये रखा है। मुझे बेसिकली
ये हाई चेयर का डब्बा एडजस्ट करना है, ये तो फोल्ड करके हम रख ही देंगे इधर उधर, अब इसमें जगह बनानी है, इसको कहाँ रखें। द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे लॉन्ड्री बैग्स आते हैं, ये कबीर का लॉन्ड्री बैग है, एक हमारा लॉन्ड्री बैग आता है, शू रैक यहीं पे ही है, मतलब जो रेगुलरली यूज़ होते हैं जूते वो यहाँ रख रखे हैं, बाकी तो डब्बों में रख के यहीं कहीं घुसा रखे हैं मैंने, या एक आधा बेड के नीचे रख रखा है, जैसे देखो एक डब्बा यहाँ रखा हुआ है समर्स के जो शूज़ हैं। अब ये वाला डब्बा भी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये वो है क्या कहते हैं उसको, रिंग लाइट। तो मैं इसको फेंक नहीं सकती, कल को मुझे रिंग लाइट मूव करनी होगी तो मुझे डब्बा रखना पड़ेगा, तो रिंग लाइट इसमें लेके जाऊंगी, टूट ही जाएगी, और ये पतला सा डब्बा उसी के लिए फिटमेंट है, सो दैट्स व्हाई। तो ये वाला डब्बा हमने ऐसे पतला कर लिया, और इसको बेड के पीछे ना, बेड का जो बोर्ड है मतलब पीछे वाला हेडबोर्ड, उसके पीछे डाल देंगे, ऐसे हमने चार पांच कार्डबोर्ड संभाल के रख रखे हैं, दिस इज कॉल्ड किफायती पंच। वैसे ना आप यहाँ पे लॉकर्स खरीद सकते हो, तो हर कॉन्डो के साथ मतलब हर कॉन्डो के साथ तो नहीं, हर बिल्डिंग में कुछ नीचे सेट ऑफ लॉकर्स होते हैं बेसमेंट में जहाँ पार्किंग होती है, बट उसका एक्स्ट्रा रेंट होता है, जनरली $100 से $125 टाइप, राइट। कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं वहाँ सस्ते मिल जाएंगे $50 से $80, बट हमारी बिल्डिंग का महंगा है, आई थिंक मेरे को लगता है ना $150 है, और वो होता बहुत छोटा सा एरिया ही है कि आप ऐसे डंप कर सकते हो, तो हमने नहीं ले रखा है वो स्पेस, बिकॉज वी डोंट वांट टू शेल आउट दैट मनी, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इतने पैसे लगाने का, अगर कैलकुलेट करो महीने के उतने पैसे देने, मतलब एक साल का कैलकुलेट कर लो 150 × 12, फिर जब आप मूव करोगे इससे बेटर हो, उससे कम रेट में डब्बे आ जाएंगे, डब्बे ही खरीद लो। तो ये है यहाँ पे प्रॉब्लम, कॉन्डोज तो होते ही छोटे हैं, तो इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट। तो अगर देखा जाए ना, तो ये कॉन्डोज एक कपल या फिर एक सिंगल बंदे के हिसाब से ही बने हुए हैं, देखा जाए तो उतने के लिए, अगर फिर मतलब अगर न्यू बॉर्न है तो ठीक है, फिर लेकिन जब आपका बड़ा हो जाता है बच्चा, ये कॉन्डोज छोटे ही पड़ते हैं, सामान भी तो बढ़ जाता है। रियल कॉन्डो स्टोरी इन टोरंटो। तो अगर आप यहाँ मूव करना चाहते हो, तो आप जब घर लो ना, सो कीप इन माइंड कि आपको कैसा घर चाहिए, कितनी स्टोरेज है, अपार्टमेंट में देख लेना दो बड़ी बड़ी क्लोजेट्स ही मिले, क्योंकि ये भी कम पड़ जाती है, दैट्स हाउ इट इज। टॉयलेट पेपर अभी इतने बड़े बड़े आते हैं कॉस्को से, अब आप एक दो लोगे तो इतने महंगे पड़ेंगे, तो मंगाने तो इतने बड़े बड़े पड़ते हैं, तो ये आधी जगह इसमें ले लेते हैं स्टोर में, पहले वो एडजस्ट करके फिर रखती हूँ उसे। ये भी इतना बड़ा है, ये किचन टॉवल है, वो किचन रोल्स नहीं होते हैं, इतने सारे मंगाने नहीं चाहिए था यार, ये सिंगल बहुत महंगे पड़ रहे थे, फिर बार बार लाने पड़ रहे थे, शुरू में तो हमने नहीं मंगाए, मैंने एक दो ऐसे यूज़ कर लिए थे डॉलरामा से लेके, फिर मैंने देखा कॉस्को पे बैठा पड़ रहा है, और वो क्वालिटी ऑफ जो बाउंटी वाले टिश्यू रोल टिश्यू टॉवल्स की क्वालिटी कॉस्को वाली है ना, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है कम्पेयर टू डॉलरामा वाले भी मैंने यूज़ करे हैं, बट दे आर नॉट दैट थिक, तो ये वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। अभी देखो उसको रखने की भी जगह चाहिए, हाँ रखिएगा आदमी सामान। ये हो गया काम, ये वाला सेक्शन में नहीं टच कर रही हूँ, ये बहुत मेहनत होगी, ये भी थोड़ा ऑप्टिमाइज होके साफ हो सकता है, बट नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसमें मेहनत नहीं करी मैं, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, अब तो हमारे बॉक्सेस फिट हो गए ना, बाकी जो बॉक्सेस हैं ये हमें फेंकने हैं, राइट। ये तीन बॉक्सेस जाएंगे, ये डायपर का डब्बा जाएगा, आई थिंक वी आर डन, यहाँ पे झाड़ू बस लगेगी, वी आर ऑल्सो डन। और ये अब जो एकदम स्टोर एरिया लग रहा था ना, पूरा पैसेज एंट्री पैसेज अभी थोड़ा क्लियर आउट हुआ है, ये फेंक के आएंगे तो और ज़्यादा साफ हो जाएगा, बट या इट्स काइंड ऑफ अ स्टोर, ये हमारा स्टोर है, बट इट्स ओके, ऐसा ही लगता है, दिस इज द आफ्टर वर्जन, कूड़ा ही लग रहा है अभी वो, ठीक है हमारा काम हो गया, सो कर दो। तो ये है वो क्लोजेट जो अभी हमने सेट करी है,
फिर उसके साइड में ये है दूसरा साइड जो मैं आपको बोल रही थी, वॉशर एंड ड्रायर है। और ये देखो, ये पूरा वॉशर मतलब ड्रायर ऊपर और नीचे वॉशर है, इसमें कपड़े पड़े हुए हमारे भी। और इसके साइड में एक पतली सी जगह बचती है जिसको आप स्टिल यूटिलाइज कर सकते हो। द प्रॉब्लम इस जगह में ना ज़्यादा सामान घुसता नहीं है। मैंने एक बार ट्राई किया था कि सर्फ के मतलब वो जो लिक्विड डिटर्जेंट है, सॉफ्टनर है, वो घुसा दूँ, बट वो घुसता नहीं है क्योंकि वो बॉटल्स मोटी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्लीनिंग सप्लाईज रख रखी हैं बेसिकली, सारा मॉपिंग का मामला। ये झाड़ू है और ये मॉप्स हैं, पोचा वोचा कारपेट क्लीन करने का ब्रश, और साइड में कबीर के डायपर मैंने यहाँ घुसा दिए क्योंकि वो ही बेस्ट जगह है रखने के। बॉक्स से निकालो, पतले पतले डायपर जैसे बड़े बड़े आते हैं वो यहाँ रख रखे हैं, और एक मैंने यहाँ ऊपर रख दिया है। अभी एक अंदर रखा है क्योंकि वो यूज़ हो रहा है, नहीं तो मैं यहाँ साइड में यहाँ पे भी कुछ फंसा देती हूँ, वो सामान अभी कुछ हटा हुआ है। तो दिस ऐसे ही ना, यहाँ पे छोटी छोटी जगह ही निकाल के आपको सामान सेव करना पड़ता है, रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं होती है यहाँ पे। तो ये है फिलहाल हमारा पैसेज एरिया, इसमें कूड़े बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ये भी बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, और मैं फटाफट यहाँ पे झाड़ू वाड़ू मारूंगी। और अब डिनर में शशांक ने बनाया है ब्रोकली सूप, ब्रोकली आमंड, क्या क्या शशांक, ब्रोकली आमंड या एंड लॉट्स ऑफ क्रीम। तो ये शशांक का है, मेरा उधर रखा है, ये तो मम्मी का है। अच्छा, एंड देन अच्छा ओहो, ये क्रीम डाली जा रही है, देखा मैंने स्पून से, अब देखो सुंदर सी डली है, कोई नहीं। मेरी समय से धड़ 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 तुमने क्रीम डाली है, ज्यादा भी डली है। एंड साथ में है एवोकाडो सैंडविचेस। सो ये है हमारा डिनर, ये देखो मेरी क्रीम और वाली क्रीम में अब डिफरेंस देखो, ऐसे धड़ धड़ में क्रीम का भंडार है। सो जनरली शशांक की टेस्टिंग वाली वीडियोज आती है, आज मैं टेस्ट कर रही हूँ कैसा बना है, लुक्स गुड, वेरी नाइस वेरी। इससे पहले मैंने एक दो बाइट ले लिया, बस एक दो सिप ले चुकी थी मैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बना है। तो इसमें ब्रोकली है, आमंड्स हैं, वेरी नाइस। और ये तो रेगुलर एवोकाडो सैंडविच जो हम खाते हैं वही है, बट ओके ये भी खा लेते हैं, वेरी गुड। सो गुड डिनर, हेल्दी, सुपर हेल्दी। सो शुरांग, हेल्दी सूप बना के कैसा लग रहा है? बढ़िया, टेस्टी है काफी। हाँ, लेकर और ब्रोकली आई है ना, बनाएंगे एक बार, बट ज्यादा खा के भी तो पक जाओगे। वन दिन अ वीक वी कैन। अच्छा बनाया है, सीरियसली अच्छा बनाया, गुड जॉब। क्रीम का अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें से, और क्रीम ब्रोकली क्रीम सूप भी तो होता है। अभी हम टोरंटो में रहते हैं, इट्स जस्ट 1 BHK, तो थोड़ा इसलिए दिक्कत होती है स्टोरेज की, बट कपल के लिए इट्स इनफ, अगर आपके पास बच्चा है तो इवेंचुअली यू नीड अ बिगर हाउस। बट यहाँ पे रेंट इतने महंगे हैं ना, तो एकदम से शिफ्टिंग टू अ 2 BHK इज़ नॉट ईजी, एंड अब रेंट्स ना बढ़ भी गए हैं, तो थोड़ा महंगी भी हो गई है प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स के रेंट, सो दैट्स ऑल्सो अ कंसर्न। फिलहाल तो हमारी यहीं पे लीज है, तो देखेंगे जब ये ख़त्म हो जाएगी कहाँ जाना है। बट आपको मैंने एक ग्लिम्स दिखाया कि कैसे स्टोरेज की यहाँ पे दिक्कत होती है। आई होप आपको कुछ नया पता चला होगा इस व्लॉग में, एंड अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो, इट वुड हैव गिवन यू अ पर्सपेक्टिव। सो व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करके जाना, एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टू माय चैनल। आपको मिलूंगी मैं अगले व्लॉग में, टिल देन यू टेक केयर, गुड बाय।